सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज बांग्लादेश जो एक्सपोर्ट करता है वो हैरान कर देने वाला आंकड़ा है। भारत से भाई साहब, भारत से करीब 2.5 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश, और बांग्लादेश का एरिया देख लीजिए, कितने ही बांग्लादेश भारत के अंदर समा जाएंगे। हमारे जो प्रतिद्वंदी कंपिटिटर हैं बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देश हैं, ये आज सस्ते क्वालिटी में और बेहतरीन क्वालिटी में और सस्ते प्राइस में आज माल एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो इस सिचुएशन में जो एक ग्राहक है भारत की मार्केट को क्यों देखेगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, हाउ आर यू ऑल, आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। दिस इज सज्जाद और मोहम्मद Yes. तो गाइस चैनल पर वेलकम बैक, और आज जो हम बात करने वाले हैं वो है जी भारतीय मीडिया एट लास्ट प्रेजिंग बांग्लादेश। यस, भारतीय मीडिया बांग्लादेश की तारीफ कर रहा है। यार सुनकर आपको कैसा लगा? झटका लगा? झटका नहीं लगना चाहिए, क्योंकि भाईजान बांग्लादेश की प्रोग्रेस को देखकर ना सिर्फ भारतीय मीडिया बल्कि पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व, पूरी दुनिया जो है वो बांग्लादेश की तारीफें कर रही है। लेकिन इधर भारतीय मीडिया बांग्लादेश की तारीफ के साथ साथ थोड़ा सा ना वो साड़ा भी निकाल रहा है, थोड़ा हाँ। सा गुस्सा भी नजर आ रहा है, जेलसी। हाँ नहीं भाई, ने सही वर्ड यूज किया, जेलसी। जैसे कि जेलसी फील होती है ना, तो वो आपको थोड़ी सी जेलसी की बदबू आएगी इनकी रिपोर्टिंग से। तो पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। गारमेंट्स के हवाले से भारतीय मीडिया बहुत परेशान है जी। कैसे भारत जो कभी बांग्लादेश से आगे हुआ करता था, जी पीछे कैसे रह गया, उसके ऊपर भारतीय मीडिया ने बांग्लादेश की तारीफ भी की है। ये तो बात सही है कि आपने तारीफ की है, लेकिन यार जो जेलसी है वो नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। मतलब मेहनत करो, हर कंट्री के लिए पूरा चांस है कि वो मेहनत करे, आगे निकलो, कोई किसी को रोक के तो नहीं रखे हुए ना। तो इसके ऊपर भारतीय मीडिया की क्या रिपोर्टिंग है, क्या वो रिपोर्ट कर रहे हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो वीडियो की तरफ चलें। जी बिल्कुल, जल्दी से वीडियो की तरफ चलते हैं। इफ यू आर न्यू ऑन आवर चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब, एंड इफ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। यस दोस्तों, हैरान कर देने वाली खबर आज आपको हम देने वाले हैं। ये हैरान कर देने वाली रिपोर्ट आज हमें जागरूक भी कर रही है और संदेश भी दे रही है कि अगर आज भारत नहीं जागता है तो आने वाले समय में भारत के हालात इससे भी बदतर हो सकते हैं। ये खबर किससे जुड़ी हुई है? ये खबर जुड़ी हुई है टेक्सटाइल की इंडस्ट्री से। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में आपको बताएं तो भारत के अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला एक इंडस्ट्री है तो वो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, कपड़ों का व्यापार है। कपड़ों के व्यापार को हम अपने देश के अंदर भी बहुत बड़ा मानते हैं और इसे एक्सपोर्ट करके भी मोटा मुनाफा कमाते हैं। कभी एक समय हुआ करता था भारत की तूती बोला करती थी टेक्सटाइल के सेक्टर में, लेकिन आज भारत के हालात यह हैं कि भारत की स्थिति पिछले 4 सालों से लगातार गिरती जा रही है। किस कारण से गिर रही है? तो हमारे पड़ोसियों के कारण से गिर रही है। एक तो बांग्लादेश और दूसरी तरफ वियतनाम, ये आज भारत को कड़ी टक्कर दे रहे हैं और लगातार हमारी मार्केट को हमारे से छीनते जा रहे हैं। क्या है पूरे का पूरा मामला, किस तरीके से हम बांग्लादेश और वियतनाम को फिर से पछाड़ सकते हैं, भारत कितना एक्सपोर्ट करता है, सारे ही बेहतरीन डाटा आज आपको हम देने वाले हैं विद प्रूफ के साथ। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, एक समय था पूरी दुनिया के अंदर भारत दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा एक्सपोर्टर माना जाता था गारमेंट्स का। जितना भी कपड़ा भारत और पूरी दुनिया एक्सपोर्ट करती थी, दूसरे नंबर पर भारत था। हालांकि ये एक चार्ट के जरिए आप समझिए, आपको सिचुएशन और भी क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, पहले नंबर पर तो चाइना का कब्जा है, इस बारे में किसी को भी शक नहीं है, और दूसरे नंबर पर जो देश है वो जर्मनी है, ये आंकड़ा 2020 का है। तीसरे नंबर पर बांग्लादेश है और चौथे नंबर पर वियतनाम है, और भारत की सिचुएशन आज पांचवें पर हो गई है, आज पांचवें नंबर भारत का है। लेकिन ये सारी सिचुएशन आखिरकार बनी किस वजह से है? तो ये बनी है भारत के अंदर जो एक कड़ी टक्कर मिल रही है गारमेंट्स की इंडस्ट्री को। बांग्लादेश वाले आज सस्ते रूप में आज अपना अपारेल्स बेच रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज बांग्लादेश जो एक्सपोर्ट करता है वो हैरान कर देने वाला आंकड़ा है। भारत से भाई साहब, भारत से करीब 2.5 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश, और बांग्लादेश का एरिया देख लीजिए, कितने ही बांग्लादेश भारत के अंदर समा जाएंगे। लेकिन बांग्लादेश की तारीफ करनी होगी यहां पर कि उन्होंने एक अच्छे तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया है। भारत का एक्सपोर्ट पिछले 4 सालों से गिरता जा रहा है, और पिछले साल के आंकड़ों से अगर आपको कंपेरिजन करके बताएं तो पिछले साल के मुताबिक हमारा एक्सपोर्ट 20% गिर गया है, और पिछले साल हमने $15 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था, लेकिन इस साल सिर्फ $12 बिलियन का एक्सपोर्ट हमने किया है। हालांकि यहां पर वियतनाम वाले कितना एक्सपोर्ट करते हैं, तो वियतनाम वाले $27 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि दूसरी ओर बांग्लादेश वाले
35 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर देते हैं। और तो और दोस्तों छोड़िए, कंबोडिया जैसा देश ही 7 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है। जबकि दोस्तों भारत के अंदर आज किस बात की कमी है? भारत जैसा देश, इतना बड़ा देश है और हर संसाधन आज मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर भी भारत की एक अच्छी मजबूती है, वहां पर भी कपड़ों का व्यापार बहुत अच्छे तरीके से फल फूल सकता है, लेकिन ना जाने आज इस व्यापार को किसकी नजर लग गई है। लेकिन बांग्लादेश वालों ने जो सिचुएशन हैंडल की है उससे वाकई में ही बांग्लादेश की तारीफ करना बनता है। हालांकि ये सारी सिचुएशन अब आपको पता लग गई है, तो अब भारत इससे मजबूत कैसे होगा, वापसी कैसे आएगा? दरअसल दोस्तों भारत के अंदर जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है ना, वो घाटे का सौदा हो गई है। यही कारण है कि आज भारत की सरकार एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स ला रही है टेक्सटाइल के सेक्टर में, और भारत की सरकार ने कहा है कि जो एग्जिस्टिंग स्कीम चल रही है टेक्सटाइल के मामले में, उसे हम मार्च 2024 तक आगे बढ़ा देंगे। लेकिन ये स्कीम जो लॉन्च की गई है, ये स्कीम भले ही आगे बढ़ेगी, लेकिन ये स्कीम काफी नहीं है। हमारे जो प्रतिद्वंदी कंपटीटर हैं, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देश हैं, ये आज सस्ते क्वालिटी में और बेहतरीन क्वालिटी में और सस्ते प्राइस में आज माल एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो सिचुएशन में जो एक ग्राहक है भारत की मार्केट को क्यों देखेगा? भारत आज एक बड़े चौड़े में नहीं खेल रहा है। तो गाइस, वियतनाम और बांग्लादेश जो है वो सस्ते दामों में गारमेंट्स अगर फरोख्त करेंगे तो जो ग्राहक है वो भारतीय मार्केट को क्यों देखेगा भाई? ये सवाल है। बर्निंग की स्मेल आ रही थी मुझे। नहीं भाई, एक चीज तो ये कि इन्होंने तारीफ की बांग्लादेश की, गुड बनती है, तारीफ बनती है, लेकिन तारीफ इस टोन में की गई जिस टोन में वो आप अच्छे तरीके से समझ रहे थे कि एक स्ट्रेटेजी बनाई गई है, एक स्कीम लाई जा रही है भारत की जानब से, जिससे जी वो वियतनाम और बांग्लादेश को पछाड़ेंगे, पीछे छोड़ेंगे 2024 तक। तो यार ये बहुत टफ हो जाएगा इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया के जो लोग हैं वो काम के ऊपर अब विश्वास थोड़ा कम करते हैं, वो इस बात के ऊपर विश्वास ज्यादा करते हैं मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि वो कहते हैं कि मोदी के पास कोई जादू की छड़ी है, वो घुमाएगा सब ठीक हो जाएगा। हालांकि जब से नहीं भाई मोदी की सरकार आई है भारत में, तो अगर हम स्टैटिक्स को देखें तो भारत बजाय ऊपर जाने के पीछे आता हुआ नजर आया है, दिन ब दिन डाउन ही है। यस, और उसकी रीजन ओनली वन के जो आरएसएस की थ्योरी है, उनका जो नजरिया है वो सारी दुनिया के सामने है कि वो क्या चाहते हैं, और अखंड भारत, जब तक ये अखंड भारत का कीड़ा इनके दिमाग से नहीं निकलेगा तो बिलीव मी कि ये ऊपर जाने की बजाय पीछे को ही जाएंगे। और मोदी जो आरएसएस का सरबरा है उसको प्राइम मिनिस्टर यार बनाया हुआ है, तो फिर कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर क्या हो रहा है। अभी रिसेंटली बांग्लादेश के साथ इंडिया के अगर हम रवैये को देखें, या पाकिस्तान के साथ देखें, चाइना के साथ देख लें, इवन के नेपाल के साथ देख लें, तो सब किसी के साथ भी जो मामला है वो सीधी तरीके से हमें बनती नहीं, किसी हाँ, के साथ बनती हुई नजर नहीं आ रही, बल्कि बिगड़ती हुई सबके साथ नजर आती है। तो आज का ये जो वीडियो है उसमें हमने देखा, एक चीज की तारीफ करेंगे, भारतीय मीडिया तारीफ कर रहा है बांग्लादेश की, वो तारीफ के काबिल है बांग्लादेश, वो हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और अब आपने सोचना ये है कि आपने अपने आप को कैसे बेहतर करना है, बजाय के दूसरों की टांगे खींचने से उनकी एक्सपोर्ट्स के ऊपर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में आजकल हालात चल रहे हैं, और जिस तरीके से जासूस वहां से पकड़े जा रहे हैं, और डिफरेंट किस्म की जो भी साजिशें हो रही हैं बांग्लादेश के खिलाफ, तो बांग्लादेश को स्ट्रॉन्ग रिप्लाई करना चाहिए और अपनी सिक्योरिटीज को बेहतर करना चाहिए इधर। बिल्कुल। तो नहीं भाई की तरफ जाएंगे? नहीं भाई, आपका क्या ख्याल है कि 2024 तक भारत जो है वो वियतनाम या बांग्लादेश को क्रॉस कर पाएगा? बहुत मुश्किल है ये, बल्कि मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि बांग्लादेश सबसे वर्ल्ड में सबसे लो कास्ट और सबसे गुड क्वालिटी का जो ब्रांड है वो बना के दे रहा है यूरोप कंट्रीज को। यस, जिसकी वजह से अभी मैंने कल एक खबर सुनी है कि एक ह्यूज तादाद में ऑर्डर आए हैं बांग्लादेश के पास, जो कि बांग्लादेश के जो गारमेंट्स के मालकान हैं उनका ये कहना है कि ये जो हमारे पास ऑर्डर आए हैं ये कंप्लीट करने नामुमकिन से बिल्कुल है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑर्डर है। जी बिल्कुल। जो बांग्लादेश, जो इंडिया जो कह रहा है हम जी, बांग्लादेश ने हमारे काम डाउन कर दिया ये चीज, इधर वही बात मैं करने लगा हूँ कि बांग्लादेश को, मतलब इंडियन मीडिया खुद ही अभी एक्सेप्ट कर रहा है
कि बांग्लादेश अगर इतने सस्ते दामों एक्सपोर्ट करेगा तो फिर हम कैसे जो इन्वेस्टर्स हैं जो बायर हैं वो इंडिया की तरफ क्यों जाएंगे? और दूसरी चीज ये है कि 80% गाइस ब्रांड्स जो हैं पूरे वर्ल्ड के वो बांग्लादेश से अपनी चीजें तैयार करवा रहे हैं। इवन के हमने कुछ दिन पहले ही अमेरिका की जो कंपनीज हैं उनके ऊपर एक रिपोर्ट आपको दी थी और वीडियो किया था कि अमेरिकन कंपनीज आर इंटरेस्टेड टू बाय गारमेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश। वो बांग्लादेश से अमेरिकन तक जो है वो बाय कर रहे हैं, और वो किस वजह से बाय कर रहे हैं वो भी हमने उस वीडियो में बताया था। वो था बांग्लादेश की जो गारमेंट्स हैं उनका स्टैंडर्ड, उनकी क्वालिटी की बहुत आउटस्टैंडिंग क्वालिटी है और प्राइस वेरी लो लो, इस वजह से चीपेस्ट प्राइस गुड ब्रांड मिल रहे हैं उनको। जी बिल्कुल, और इस वजह से बांग्लादेश के साथ कॉम्पीट करना इंडिया के लिए काफी मुश्किल नजर आता है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। मिलते हैं अगले वीडियो में, रखें बहुत सारा ख्याल, गुड बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।